हेलो दगड़ियों, हर यू कंचा। आप लोग आशा करना कि आप लोग ठीक ही होला। तो अब आई हूँ मैं परी भाई पहाड़ी ब्लॉक को। अगर ब्लॉक लगने आप लोग दिखना है बोला कि मेरी आवाज़ अभी ठीक नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर नहीं आने चाहिए। पूरा गाल में दर्द चाहिए रात भर, और फिर भी कई दवाई दारू के अलगारों को लगे। मैं एलोपैथिक में विश्वास नहीं कर देता, आयुर्वेदिक माई चौकन वो अभी घर की जूंद खुला पिचकारी। तब भी देखा कुछ नहीं होना चो, तो थोड़ा सा आश्वस्त हो। आप थोड़ा सी दिक्कत होने वाली कि जब वीडियो में क्लियर आवाज़ नहीं आने वाली, तो वहाँ कड़े माफ चाह दो। तो बढ़िया रहा हम दगड़ी। तो आज लगभग बरखा पीछे रहा, अभी लगी 5 बजे बढ़े तो सवेरे अभी 5:30 पौने 6 होनी चाहिए। तो बढ़िया रहा हम दगड़ी, फिर मिलना अगले दिन चले देखना। गुथनी को घोल कितना प्यार से इतनी इतनी देगा। छुट्टी छुट्टी जो एक पक्षी होती गुथनी आबल दिखे वाले, तो बड़ो देखा कतका सहयोग रानू इतका मिल मिली होने देखा। बड़ो घर बनाई जो वो जन हरे आदमी अपना घर बना तो देखा कि गुथनी घोल क्या बनावट दे। आप देख सकते हैं कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या क्या होने। तो हमारी हमेशा हर साल ही राम जो घोल देखा एक बार जनियों का बच्चा वाला बच्चा एक बड़ा निकला तो वहाँ हमारा जो घिंडड़ा हो दिन गौर है जब वो कैप्चर कर देने घोल दे तो फिर बच्चा दिन। तो एक घर में देखा दूध है परिवार पले दिन। आप लोग भी नहीं अपना परिवार था बड़े रखा और सभी मिलजुल रहा और सब लोग अगने की जीवन लीला में आप लोग सब लोगों को सहयोग पहुंचाणो। तो जन आप लोग थोड़ा देख सकते हैं क्या बनावट से इतना छुट्टी पक्षी जब इधर कुछ कह सकती तो हम तो लोग तो इंसान था तो कुछ ना कुछ सीख लेने जाने हम लोगों थे अगर भविष्य को ने ये गुथनिया घोल से बनया रहा। आप देखना आप देखा ये माँ गेंडड़ों की मीटिंग जानी थी गौर है जगने बोल दिन गेंडड़ा यो छिमी लगुल जो गेंडड़ों की मीटिंग जानी देखा चुई चाट पड़ी जो बड़ी सुने रवा सुने न लाता देखा। दूर डांडी कांठिंग का रहवासी हम अतुल्य देव भूमि की सेवा सौली। मौसम देखा आज अच्छी मतलब लग जाने में देखा एक घिंडा उड़ गई धीरे धीरे करी उन्हें। अयो देखा ब्यूटीफुल लोकेशन जय माता की हमारू गांव को कुलदेवी को मंदिर माँ जाली माली सब माँ कृपा बनी रखो। आप लोग देख सकते हैं जो पर्सनल लगे आज इन असुजा में ना जो काम काज का वीडियो मिल देखो ला अपल पहली। अरे ब्यूटीफुल लोकेशन हमारे गांव को अरे डांडू अरे देखा बड़दाल भी स्टोर करें जब बरखा निपटली तब जखने वो कुटनी पिसनी वाली। तो कठिन से सरल जीवन तो इलाके बोल दिन कवर भी उत्तराखंडों को मौसम भी पता नहीं कब बदले जाऊँ देखने लगे वाला आप लोग। ये मैंने बरगा नीचे नहीं है फर्स्ट क्लास लोकेशन आप देख सकते हैं पल्ली शहर हमारी बने आ रहा। आप लोग फिर मिल रहा सोचा मैंने का जो काम का निपटन चाहते यू अभी दुर्बल माओ नीचे नहीं देखा छतों में कब्र है जिन पूरा ये भंगलोड़ा भंगलोड़ा धोलियों छो कै माना बुलिया भैजी सैनिकों मरियों छो गाँव भी आप सुनी बोलो। तो बड़ा चर्चित नेगी जी सॉन्ग देखा कोयड़ी लगी हैं दूर धार देखा बढ़िया रहा। 100-150 साल से ऊपर पुरानो मकान देख सकते हैं आप लोग कितना छोटा छज्जा ये माँ ब्याह रमणिया छिन ये को एंट्री कहाँ से लग गया देखा डाल दे। चाचा जी रिश्ता माँ हमारे गांव का देखा बड़ा बुजुर्ग तो कद का साल उम्र तुम्हारी? मैं 68 साल। 68 साल हाँ। अच्छा
तो जो यू तुम दे कि ये पट्टा की तुम्हारी जमीन ची तो इधर मालिकाना हक का बटे हुए चाहे तुम दे थोड़ा सी बताए थोड़ा सी। चौहत्तर अच्छा तेवत्तर बटे कि आप तक यू मालिकाना हक पूरी मालिकाना। कृषि को हाँ तो कद का साल तुम दे कि मतलब ये गाँव में होगी नहीं और जो तिबर मिलाप है दिखाई पुरानी थी कद का साल ही तिबर थे हुएगी नहीं। लगभग 100 साल हुएगा दादा बनेगा। अच्छा देखा जुत्ती बरियो को जो आप जे मकाना बने था अभी सीमेंटेड एक टेम्परेचर और वे को टेम्परेचर में कत का फर्क लगे आप मतलब जो गर्म ठंड मतलब। ठंड लोग जो सिमटा हुए ना हाँ और वो बहुत सुंदर जो ना गर्म हुआ ना वो पड़ोगा वो जो। हाँ तो जो पुराने लोग छाते वे हिसाब से वो मकान बनाया जाना ज्यादा ठंड ना गर्म का हिसाब से हाँ मतलब देखा तो वो भी देखा कतका उन लोग साकी मतलब वो दही पूर ज्ञान सो की मतलब हमते ठंड गर्म आई हमते राण पड़ो लो तो बड़ा बिपुर देख सर्दी में हाँ पूरी थी बात पूरी थी। अब मंगसर हमें ना हाँ मैं अमर भाई तो देखा तो वे हिसाब से टेम्परेचर हमारे मकान बनाए थे सीमेंटेड मकान छे तो जब तुम कभी बैर भी छा नौकरी में हाँ मैं जी रहा हूँ कद का साल 25 साल कम से कम तो पच्चीस और 3 साल साल चंडीगढ़ 1 साल चंडीगढ़ और 3 साल। 3 साल चंडीगढ़ और बाकी 25 साल दिल्ली में जो कैपिटल राजधानी जमरी तो वो खूब बटा कि और एक तको सफर मतलब जो आप अभी एक अपने कुर्सी में बैठे होने टीवी देखना चाह आराम से तो आप कन लगनो आप था कि यार उखर एक माँ के फर्क जो तक होता है मतलब जो दिल्ली फुंडे आप रहे बोला। भाई नौकरी में आते नौकरी नौकरी होनी हैं पराजीन ता दुख महा सुख जग में स्वाजीन सुखी रे बन से कनक पिनी रे में जीन अपने घर में तो बहुत सुख है। हैं अच्छा अत अपना घर में मतलब आबो हवा सब कुछ मतलब टाइम मतलब और जो तुम्हारे पुरान मतलब जो खेती बाड़ी जब रहे बोल तुम्हारे जब तुम तक तेवर तरह को मालिकाना हक चाहिए माँ जमीन माँ तो उबर कत का एक मतलब यू जो तुम्हारे वही भट दाल गए सब थे कुछ जो हमारे हुंदू जो दो मतलब दो ना पौधू ऐसा मुंडा जन दाल भर दोनों को हिसाब से दोनों ऐसा वाल अत और आज एक दुई दुई एक हजार और लगभग 22 माह अब कत का हुंदू जो मतलब। अब कुछ रही नहीं है कंट्रोल भाव नहीं ये ना अब कोई जमने हो मर कोई छह नहीं बुझे नहीं जो मतलब मान्यो तक सीमित रह गया आप मैं मतलब मानी अत जगह देखा यू अब त्योतर बटे अभी तक है कि जी उन्हों एक मकेट सी कह रही तो अब थोड़ा सी तो धन्यवाद मान्यो तक सीमित रह गया हम लोग तो देखा आयु देखा चची बिचे आ रही हूँ देखा नाती नाम क्या दे रू कुछ नहीं बोलू हाय कर दे बाय बाय आदि बाय कर दे आदि आदि बाय का आदि यार आदि दादी बैठी देखा नमस्ते बाय बाय आदि नमस्ते धन्यवाद देखा इतना पुराना लोग बुजुर्ग लोग छिन्न तो फिर मिलता आप दड़ी बने रहा। ये बस चल गया तमरोली टू औड़ी औड़ी टू श्रीनगर देखा दूर डांडी कांठी बांजे की डाली हरी भारी जो सारी चाहते देखा बीच में जगह आप देखा उनके घास कटे देखा। अब आज दिन हम थोड़ा सा मौसम साफ हो गया ये हल्का देखा बादल भी देखा आप लोग ये देखा पल्ली पार देखना होला आप लोग ये हमारा अगल बगल का गांव आज देखा चूंता की डाली दिखेंगी टॉप मामती नागराजा को मंदिर यू हमारी रोड च ये देखा एक पल टैक्सी आनी पल साल बड़े देगा टाटा सुमो फर्स्ट क्लास जवान होल देगा। हेलो दगड़ियों तो अब हम आज का ब्लॉग तय इगमी समाप्त करना तो परी भाई पहाड़ी ब्लॉग का ब्लॉग आप तक कन लग दिन कमेंट लाइक सब्सक्राइब करने बुना पल तो जितने ज़्यादा देखो आप लोग कमेंट माँ लिख लिया कि आप लोग कन ब्लॉग बना अगने आप तक कन ब्लॉग चेना छिन तो उत्तराखंड सच के सभी तक उन्हें वीडियो आप तक मिलेगा तब तक अपने जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड फिर मिलना अगला ब्लॉग उन्हें तब तक है कि गुड नाइट बाय बाय धन्यवाद।